हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई जस्ट होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विश भी करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये चीज़ क्या है, मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। तो थंबनेल में आपने देखा होगा बेबी दिखा रहा है, और बेबी को आपने उसका जो माउथ है ओपन है, ओपन करके आपको टंग दिख रहा होगा ना, वो दिख रहा होगा ना, नीचे से चिपका है। तो जी हाँ, मैं उसी पे बात करने वाली हूँ कि ये चीज़ क्या है। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं टंग टाई, जो बहुत कम देखने को मिलती है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, होती है। तभी मैंने आपसे शेयर करी, और शेयर करने से सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे खुद के बच्चे को थी, जिसको हम टंग टाई भी कहते हैं और आम भाषा में हम चिपकी हुई जीभ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये तो मुझे नहीं पता था ढंग से कि ये क्या है, बट अब मैं इसके बारे में जान गई हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के बेबी को था। और ये कब पता चला और इसके इसको होने से क्या प्रॉब्लम होती है, मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे पता नहीं था इस चीज़ के लिए, बट टाइम से पता चल गया, इसका सोल्यूशन मैंने मतलब मेरे को मिल गया। मैंने इसका जो ट्रीटमेंट था, मैंने अपने बेबी का करवा दिया है, जो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और इतनी ज़्यादा टेंस में थी कि मैं ब्लॉग भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब उससे प्रॉब्लम हो रही थी। और इस बीच में बेबी काफ़ी ज़्यादा बीमार भी पड़ गया था, जिसकी वजह से मैंने मतलब मेरा मूड जो था ना, एकदम ऑफ हो चुका था। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि मैं क्या करूँ। तो पहले तो उसको कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई। तो किसी ने मुझे कहा कि आपके बेबी की ना चिपकी है जीभ। तो मैं ऐसे माइंड करती थी, ये क्या चीज़ है, मैंने तो आज तक सुना भी नहीं चिपके। मैंने घर में भी बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो मम्मी पापा उन्हें बताया कि ऐसी कोई बात तो होती नहीं, मैंने हमने तो आज तक नहीं सुना कि चिपकी हुई जीभ क्या होती है। और ससुराल में भी गई, तो मैंने अपने घर में जो बड़े थे, मैंने उनसे दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है किसी को, ये तो सही बोलता है बोलता है, ठीक हो जाएगा, अभी छोटा है तो ऐसे दिख रहा होगा। तो उन लोगों ने भी मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया इसके बारे में, क्योंकि उनको शायद किसी को भी नहीं पता है कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं ज़्यादा लंबा खींचते हुए नहीं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो जब उसको फीवर कोल्ड हुआ, तो मैं ऐसे डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने सडनली डॉक्टर से पूछ लिया, सर ये क्या चीज़ है, इसका क्या होता है? बट मैंने सुना था इसकी कोई सर्जरी होती है। पहले मैं किसी और डॉक्टर से ऐसी थोड़ा बहुत बात करके आई थी कि सर ये क्या होता है, उन्होंने कहा कि एक तरह का प्रॉब्लम होता है जिससे बच्चा तुतलाता है, मतलब ढंग से बोल नहीं पाता है, कुछ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जो चीज़ ना, जो हमारी टंग होती है ना ऊपर जो चिपकती है, जैसे रॉ हो गया, लॉ हो गया, ऐसे वर्ड वो बोल नहीं पाएगा, वहाँ पर वो तुतला जाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। ये कॉमन है जिनको टंग टाई होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 1.5-2 साल में आप एक बार जाके दिखा लेना, मतलब दोबारा आ जाना मेरे पास। उन्होंने अपना जो भी था पूरा मुझे प्रोसेसिंग बता दिया, उन्होंने अपना पूरा बजट बता दिया, इतनी कि इतना मतलब इतना ज़्यादा इसमें आएगा खर्चा। तो मैंने कहा यार, मतलब मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा डर गई थी कि यार मैं अपनी बीबी को इतना छोटा है, मैं उसको कैसे सर्जरी करते हुए देखूंगी, उसको एडमिट करेंगे, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखें, मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तो मैं फिर उसको ना वहीं पर, फिर मेरे घर वालों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, हमने तो सुना ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू भूल जा। तो फिर मैं भूल गई। फिर मैंने देखा कि मतलब उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती, फिर मेरे मन में डाउट रहता था कि ये क्या क्यों हो रहा है, जब ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। डॉक्टर भी कहते उसके कुछ खास वो नहीं है, मतलब तुम्हारे बच्चों को है, उन्होंने मतलब ढंग से क्लियर नहीं किया था। जो मैं फर्स्ट टाइम जिस डॉक्टर के पास गई थी, सेकेंड टाइम में अभी मैं थोड़े दिन पहले लेके गई थी, जब उसको फीवर कोल्ड हो रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ इसको टंग टाई है, इसको ये कुछ बच्चों में पाई जाती है, इससे बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फीड वगैरह उन्होंने खुद ही कह दिया, वो सो हो भी रहा था इसके साथ। तो मैंने उनसे पूछा सर ऐसी क्या, उन्होंने किसी डॉक्टर का एड्रेस बताया, उन्होंने कहा ये सर्जन डॉक्टर हैं, आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लेना, जो भी चीज़ होगी वो क्लियर कर देंगे। मैं मुझे उसका कोल्ड फीवर तो छोड़ो, मुझे वो जो प्रॉब्लम थी कि चलो उसकी दवाई दे रही थी, मैं मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत तो मतलब मैं दूसरे नेक्स्ट 2 दिन के बाद जब मौसम साफ हुआ, मैं लेके चली गई डॉक्टर। उन्होंने कहा कि इसको हल्का फुल्का तो लग रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या दिख रहा है अपने बच्चे में दिक्कत? मैंने सर ये फीड ढंग से नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि ये बोल बोल रहा है ना, तो इसकी जो जीभ है वो खिंच जा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया, कहा कि आप आना, मैं इसको जो भी होगा थोड़ा सा कट लगा के मैं इसको एंड टू एंड करके दे दूंगा। मैं फिर दूसरे दिन लेके गई, जब वो ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके गए, उन्होंने मेरे पास से जो मेरे बेबी को लेके गए ना, कसम से इतना ज़्यादा मुझे रोना तो छोड़िए, उस टाइम पर मैं एकदम अकेले हो गई थी। मेरे साथ जो लोग गए थे ना, वो किसी काम में दूसरी जगह चले गए, उसी बीच में डॉक्टर मेरे पास से बेबी को लेके गया। सच बताऊं वो इतना ज़्यादा डरावना मतलब टाइम था मेरे लिए, जो कहते हैं ना एकदम, मैं आपसे मतलब मैं कह भी नहीं सकती कि क्या फीलिंग थी मेरी उस टाइम पे, कैसे मुझे सीन हुआ,
बहुत ज्यादा मैं डर चुकी, मेरा रोना बंद नहीं हुआ। वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, डॉक्टर लेके गए अभी लेकर आ जाएंगे। उन्होंने मुझे समझाया, फिर भी मुझे मेरा रोना ही नहीं गया। 2 मिनट के बाद बेबी इतना ज्यादा चिल्लाने लगा ना, सच बताऊं इतना, अभी मुझे वो दिन, मतलब जो दिन था वो मैं सोच के भी मुझे डर लग रहा है। बहुत हिम्मत जुटा के मैं उसको, डॉक्टर को तो मैंने दे दिया, बट उसके बाद जो मेरा हाल हुआ ना, सच बताऊं इतना ज़्यादा मैं डर चुकी थी। बट जो भी है, जैसा भी हो, वो तुरंत ला के मुझे दे दिया उन्होंने। हल्का सा कट लगाया, ब्लड ब्लीडिंग होने लगी उसको, तो थोड़ा सा कॉटन लगा के उन्होंने मुझे दे दिया। और उन्होंने ये कहा कि इसको ले जाओ, 1-1.5 घंटे बाद आप फीड कराना। कुछ मेडिसिन उन्होंने लिख के दे दी, उसके बाद मैं ले आई, बेबी सो गया। कुछ घंटे बाद वो उठ के फीड वीड करने लगा। फिर भी मेरे मन में ना तसल्ली नहीं थी, मुझे डर सा लग रहा था कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, सच बताऊँ इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तो उसके बाद वो फीड वगैरह करने लगा, देखा उसको थोड़ी सी वो थी, उसको टैंक के नीचे जो उन्होंने कट लगाया था उसका मतलब निशान था, दर्द हो रहा था उसको। तो वो 1-2 दिन के बाद ठीक हो गया। फिर मुझे लगा, मुझे मेरे मेरे जान में जाना है कि नहीं, अब मेरा बेबी ठीक है, अब ये सही हो गया है। तो अभी वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अभी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा, मतलब जो मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, मैं आप लोगों से शेयर करूं। बट मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे मदर भी हो सकती है, किसी के हेल्प तो आएगी, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे मुझे नहीं पता था ना टंग टाई के बारे में, मेरे जैसे बहुत सिस्टर वगैरह सभी को, मतलब इतना ना, ये अभी इस प्रॉब्लम को ना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है ये कि हाँ ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जब मैं यूट्यूब पे हूँ और मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं, ठीक है। तो मुझे लगा मेरी ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आए, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, यही सब था, और टंग टाई के बारे में मैंने बता दिया क्या होती है, और मेरी बेबी को था, शायद उसको आगे चल के दिक्कत हो सकती थी, और उसके वजह से वो फीड नहीं कर पाता, थोड़ा वो कमज़ोर हो गया था। तो मुझे लगता था कि नहीं, इसको तो थोड़ी तो दिक्कत हो रही है ना जीभ की वजह से, बट मैंने बहुत बार इग्नोर किया, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि घर में सबने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आज तक हमने सुना नहीं है, डॉक्टर तुम्हें परेशान करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा कुछ होता है। डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलता है, चाहे वो जैसा भी बताएगा ना, डॉक्टर हमेशा सही से कंसल्ट करेगा। बट हम अपने मन को मना रहे थे कि नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। फिर बीच में मैं रुक के फिर गई, तो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उस दिन, मेरे बेबी को फीवर और कोल्ड नहीं होता, तो शायद आज मेरे बेबी की वो प्रॉब्लम थी ना, सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। मैं 2 साल वेट करती, 2 साल के बाद अगर मैं, मुझे लगता ना मैं लेके जाती तो उसको बड़ी सर्जरी होती। तो मैं ये कहना चाहती कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और मैं उसको लेके गई डॉक्टर के पास। देखिए आज वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और मैंने ये न्यूज़ हस्बैंड भी बताई, हस्बैंड इतने खुश हुए कि चलो तुमने मेरे, मतलब इतना तुम वो कि तुम, मैं नहीं था फिर भी तुमने इतना वो किया। तो यही होता है गाइस कि ये, अब मैं इस पर ना स्पीचलेस हो जा रही, मैं क्या बताऊँ। बट मैं इतनी हैप्पी हूँ ना कि मैं खुशी से मैं कुछ नहीं बता पा रही, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी टेंशन थी ना, क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट बेबी था, और इसको हर माँ के लिए उसका बेबी बहुत स्पेशल होता है, मेरे लिए मेरा आरव बहुत स्पेशल है मेरे लिए, उसको ये चीज़ थी। अब मैं ये सोच सोच के ना, मुझे इतना ज़्यादा मैं परेशान थी ना, बट गॉड ने इतना साथ दिया, समय से पहले उसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। पता है ये लेट करती ना तो मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, बट टाइम से हो गया, इससे बड़ी मेरी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। तो गाइस यही थी मेरी जो भी था इस बीच में, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा कि इतना हिम्मत जुटा के मैंने आपसे शेयर करी है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आप कहीं भी काम आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी बहन को ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।